अभी समीरा मुझे छोड़ना मत, come on, we'll make it. अभी समीरा समीरा तो be careful. अब तक समझ में नहीं आ रहा कि उसे हुआ क्या था. अभी को बेस पर इमरजेंसी थी, इसीलिए उसे आना पड़ा बेस पर. सच बताऊं तो ये शिखा का किस्सा मुझे तो समझ में नहीं आता. उस दिन याद है जब उसने अभी का फोन ही तोड़ दिया था. सैम एक बात बता, तुझे ये शिखा ठीक ठाक लगती है? नहीं, मेरा मतलब है कि उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता है यार. पता नहीं, लेकिन पहली बार मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है. यू नो, मैंने आज कुछ नोटिस किया, अभी और शिखा के बीच प्यार ही है या कुछ और, कुछ ऐसा जो हमें नजर नहीं आ रहा है. एक अजीब सा नाता है उन दोनों में जो प्यार तो डेफिनेटली नहीं है. पागलपन था. शिखा के साथ अक्सर ऐसा होता है, जब वो होशो हवास खो बैठती है और चीजों के बारे में सोचना समझना बिल्कुल छोड़ देती है. लेकिन एक बात तो मैंने देख ली है, भाई बहुत प्यार करती है तुमसे. उसके साथ पहले भी ऐसा होता था, लेकिन नॉर्मली ये किसी चीज को लेकर हुआ करता था. बट प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो किसी इंसान को लेकर इस हद तक पहुंचे. तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसके इस बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करता. दैट इज फॉर श्योर. तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, व्हाट आई मीन टू से कि जो भी फैसला लो दिल और दिमाग के साथ लो. शिखा का बर्ताव मेरे दिमाग से तो बाहर है यार. प्यार अपनी जगह होता है, लेकिन ये तो पागलपन है यार. और अभी इतना समझदार होकर वो ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कैसे कर सकता है? अगर शिखा का बस चले तो वो उसे उंगली में बांध कर रखे यार. अभी को अपनी ड्यूटी प्यारी है या वो शिखा? सैम, मुझे लगता है कि तुझे अभी से इस बारे में बात करनी चाहिए यार. अभी भी देर नहीं हुई है. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शिखा को लेकर तुम्हें अपना फैसला दिलो दिमाग के साथ करना चाहिए.
हम ऐसे भी मतलबी लोग नहीं हैं जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए किसी और की जिंदगी में तकलीफ भरते हैं। मैं जानता हूं कि तुम और शिखा सालों से एक दूसरे को जानते हो। इनफैक्ट जब वो ट्रीटमेंट के लिए लंदन जा रही थी उस वक्त तुमने जिंदगी भर उसका साथ निभाने का वायदा किया था, लेकिन कुछ सालों का साथ होने और जिंदगी भर साथ निभाने में बहुत फर्क होता है। अभी लेकिन ऐसे वादे से मुकर जाना कहीं अच्छा है जिन्हें पूरा करके आप जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहे। इसलिए एक बार फिर सोच लो अभी। काश मैं आपको सच्चाई बता पाता। ये सच्चाई सिर्फ मैं और अम्मा जानती हैं। मैंने किसी से वादा किया है कि अपने और शिखा के रिश्ते की सच्चाई कभी भी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा। इतना भी मत सोचो अभी। जो भी कहना है खुलकर कहो, बिना किसी दबाव के। सर, मैं मानता हूं कि शिखा की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो मेरी जिम्मेदारी है। इंसान को जिम्मेदारी उसकी उठानी चाहिए जिसे वो प्यार करता हो, वरना वो जिम्मेदारी सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाती है यार। अगर तू अभी की जगह पे होती तो क्या शिखा जैसी इंसान का साथ जिंदगी भर देने के लिए तैयार होती? तन्वी, जब कोई किसी से प्यार करता है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरा इंसान भी आपसे प्यार करे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है सैम, तू बी प्रैक्टिकल यार। कोई प्यार के लिए अपनी जिंदगी तो शहीद नहीं करता है ना? तन्वी, प्यार के बगैर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। फ्रैंकली बताऊं तो आज अभी और शिखा को साथ देखकर मुझे ऐसे लगा कि अभी को शिखा के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि दोनों हमेशा के लिए खुश रह सके। तुझे लगता है अभी खुश है? बोल, अगर प्यार इंसान को खुशियां देता है तो क्या तुझे अभी के चेहरे पर खुशी नजर आती है? सर, तन्वी, वो अभी की जिंदगी है, उसका फैसला है। और अगर वक्त रहते अभी ने अपना फैसला नहीं बदला ना, तो ये एक फैसला उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सर, देख। कुछ ना कुछ कर रही थी, मैं बहुत खराब हूं ना। It's okay. It's not okay. मैं भाग करूं तो मुझे कभी कुछ कहते क्यों नहीं? शिखा, मुझे डांटते क्यों नहीं? मुझे डांटो अभी, मुझे कुछ तो कहो। शिखा, It's okay बाबा। मामा, मैं जा रही हूँ। बाय। अरे कहाँ जा रही है तू? बैठ, पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर। मामा, मुझे देर रोज ऐसे करती है तू? बैठ, अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर। ओके, फाइन। मैं आईडी भूल गई, प्लीज लेकर आइए ना। मैं लेकर आती हूँ, लेकिन तू अपना नाश्ता पूरा खत्म करना। सब कुछ भूल जाती है ठीक है, लेकिन नाश्ता और खाना खाना मत भूलना। तो तेरा आईडी भी मुझे नहीं मिल रहा है, तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। हेलो सर, आप कुछ काम था? नहीं, कोई खास काम नहीं था। मैंने तुम्हें थैंक्स देने के लिए फोन किया। नहीं सर, इट्स ओके, आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है समीरा, बिकॉज चोट तो तुम्हें भी आई। सर, मुझे कोई चोट नहीं आई, बस थोड़ी सी खरोच है। फिर भी तुम्हारी मॉम तुम्हें देखकर परेशान हो गई। सर, अपने बच्चे के आंसू देखकर कोई भी मां रो पड़ती है, इसलिए मैंने अपनी मामा को कह दिया कि मैं कॉम्बैट प्रैक्टिस में गिर गई थी। आई एम रियली सॉरी समीरा, लेकिन शिखा की वजह से तुम्हें अपनी जान पर खेलना पड़ा। सर, वो तो मेरा फर्ज था,
आप मेरे सीनियर हैं और शिखा आपकी बेटी है। एक बात जानती हो समीरा, आज जब शिखा को बचाते बचाते तुम चट्टान के पीछे गिर गई, वो एक पल के लिए तुम्हें घबरा ही गया था। एक तरफ तुम थी, दूसरी तरफ शिखा थी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको पहले संभालूं, तुम्हें या शिखा को। सर, शिखा आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी उसके तरफ मुझसे कहीं ज्यादा है। ऐसी बात नहीं है सर, तुम भी तो मेरी। I'm sorry, Mr. वीर प्रताप सिंह, मुझे आप दोनों के कॉन्वर्सेशन में इस तरह बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से ऐसे हो गया। और कभी कभी इत्तेफाक भगवान की मर्जी से होता है, वरना आज मुझे पता कैसे चल कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलने लगी है। आप मेरी बेटी को ट्रेन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि समीरा का ख्याल रखने के लिए उसके घर में उसकी माँ अभी जिंदा है। I'm sorry, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब कोई अपनी तय हदें पार कर जाता है तो आवाज ऊंची करना जरूरत से ज्यादा मजबूरी बन जाता है। I'm sorry. समीरा, माँ हूं मैं तुम्हारी। बड़े से बड़े सच को सुनने और बर्दाश्त करने की हिम्मत और आदत भी है मुझे। I'm very sorry. इस तरह से माफ नहीं करूंगी मैं तुझे। मतलब? पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर। बेस में हुई रॉबरी के बारे में कुछ पता चला? कुछ बात, कोई सबूत, किसी पर शक, कुछ भी? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोशिशों से यहां मिनिस्ट्री का टेम्परेचर ठंडा नहीं होता। मुझे यहां कितनी मुश्किल हो रही सब कुछ संभालने में, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब पहले पहले आपने हॉक्स बनाने की राय मुझे दी थी, तो सारी मिनिस्ट्री में आगे बढ़कर सिर्फ मैंने ही आपको सपोर्ट किया था, आपको याद है कि नहीं? और आज यहां पर सबकी बंदूकें मेरे ऊपर ही तन रही हैं। सर, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कुछ नहीं समझते आप, कुछ भी नहीं समझ सकते आप, इसीलिए तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए। पूरे देश में खबर फैल चुकी है, पहले तो आप उस इंफॉर्मेशन को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाए। सर, अगर ऐसी बात है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए सर, जल्दी ही गुनहगार हमारी गिरफ्त में होगा। वैसे एक बात और, इंटेलिजेंस के मुताबिक आजकल आतंकवादी गुट अंदर ही अंदर बहुत तेजी से काम कर रहा है, और ऐसे में अगर हॉक्स का कोई भी उनके साथ मिला हुआ, तब आप समझ सकते हैं कि हम पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। बेहतर यही होगा कि आप सबसे पहले उस गद्दार का नाम पता लगा। ओके, गुड बाय। डिफेंस मिनिस्टर का फोन था, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, हम और इंतजार नहीं कर सकते। ईशा का पता हमें खुद ही लगाना होगा, हर जगह रेड कॉर्नर नोटिस भिजवा दो। हमें जल्द से जल्द ईशा यहां चाहिए, अंडरस्टूड, एट एनी कॉस्ट। हमें यह भूल जाना होगा कि ईशा हमारे हॉक्स टीम का कभी एक हिस्सा थी। हमें अपने सारे पर्सनल इक्वेशंस उसके साथ भुलाकर सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान देना होगा। वो हमारे लिए केवल एक टारगेट है, ओनली अ टारगेट। उसने इस देश के साथ गद्दारी की है और देश के आगे कुछ भी मायने नहीं रखता। इज इट क्लियर? सर। क्या बात है फरहान, तुम चुप हो? सॉरी सर, पर मुझे नहीं लगता कि ईशा ऐसा कुछ कर सकती है।
सर आई एम श्योर हमें कोई गलत फहमी हो रही है, हमें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और हम लोग गुमराह हो रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर ईशा बेकसूर है, वो इस देश के लिए जीती है। सर गद्दारी का ख्याल उसके दिमाग में भी नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ इस समय सारे सबूत उसके खिलाफ है, बट आई एम श्योर सर वो खुद वापस आएगी। आना तो उसे पड़ेगा, वो चाहे अपनी मर्जी से आए या फिर फोर्स का इस्तेमाल करने के बाद आए, बट शी हैज टू कम हियर। सर कई बार हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं और ऐसा पहले भी हुआ है सर। फरहान, तुम अपनी पर्सनल इक्वेशन को देश की सिक्योरिटी के बीच मिला रहे हो, और वैसे भी ईशा के खिलाफ सबूत साफ है। आजकल सबूत पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, शक के बेसिस पर हम देश की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डाल सकते। फरहान, इट्स एनफ। मैंने तुम लोगों को यहां पर बहस करने के लिए नहीं बल्कि अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया था। तुम लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करो, हर पॉसिबल जगह पर ईशा की तस्वीरें भिजवा दो एंड डिवाइड द वर्क अमंगस्ट योरसेल्फ। और ये तन्वी कहां है, वो क्यों नहीं है? सर वो इसी मिशन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने गई है। फाइन, मैं पुलिस अथॉरिटी से बात करता हूं एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोग ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं आप लोगों से टेक्निकल रूम में मिलता हूं। गाइस, ईशा हमारी दोस्त है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते यार। फरहान, वी सर के ऑर्डर्स ना फॉलो करके तुम अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम हॉक से बाहर निकाले जा सकते हो? आई डोंट केयर। अभी मुझे पता है ईशा बेकसूर है। तुम पागल हो गए हो? प्लीज अभी समीरा, प्लीज तुम इसे समझाओ, अपने प्यार के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होता। और अभी वैसे तुम सोचो, अगर समीरा को किसी से प्यार होता और उसके सामने ये हालात होते तो वो क्या करती? देश के प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता, वो भी अपना फर्ज पूरा करते, तुम्हें भी वही करना चाहिए। कहाँ हो तुम ईशा? ये सब क्या हो रहा है? लौट आओ ईशा और बता दो इन सब कि तुम गद्दार नहीं हो। बहुत नाकाबंदी है, क्या कहूँ? एक सेकंड सुनिए, इसको कितनी देर लगेगी? अभी टाइम लगेगा। क्या नाम बताया आपने सर? ईशा। ठीक है सर, लेकिन सर हम उसे पहचानेंगे कैसे? ओके सर। हाँ सर, काफी कुछ हुलिया तो पता चल गया है और मैं अभी ऑफिस में जाके फैक्स देख लेता हूँ। बिल्कुल सर। ओके सर, ठीक है सर। सब लोग इधर आइए, जल्दी जल्दी। एक एयरफोर्स ऑफिसर भागी हुई है, ईशा नाम है। थाने में बोल दो कि हेड ऑफिस से एक फैक्स आएगा जिसमें उसका फोटो और बाकी डिटेल्स भी हो। ठीक है, जल्दी करो। चलिए आप जल्दी आइए। मैम पेपर्स दिखाइए। लाइसेंस भी दिखाइए। अगर लाइसेंस दिखा दिया तो पता चल जाएगा कि मैं ही ईशा हूं। अब क्या करूं?